गणपति बप्पा मोरिया, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज के वीडियो में मैं तीन अपने सबसे फेमस गणपति मुंबई के दर्शन करने वाला हूँ। लालबाग के राजा, चिंतामणि राजा अपने बप्पा और मुंबई का राजा, तीनों के दर्शन करने वाले हैं। एंड वीडियो में आप लोगों को भी ये जर्नी जो दर्शन की है पूरी दिखाने वाला हूँ। लालबाग के राजा को मैं पिछले 4 साल से कंटिन्यूस दर्शन कर रहा हूँ, 4 बार। ये मेरा 4th या 5th टाइम है दर्शन करना। मैं सूरत के टाइम से दर्शन करते आ रहा हूँ बप्पा के। एंड सूरत के टाइम पे जब मैं सबसे पहली बार बप्पा के पास आया था, मैं लाइन में लग के गया था एंड मैंने जो जो मांगा है वो बप्पा ने मेरे को पूरा करके दिया। मेरे 4 साल 5 साल के मेहनत जो भी किया, बप्पा ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। तो मेरा हर साल यहाँ आने का बनता है, बप्पा को सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए आता हूँ कि जो कुछ भी दिया है, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज अपन जर्नी चालू कर रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं अभी, 19 तारीख चालू हुई है। अपन लाइन में लगने वाले चरण दर्शन की, देखते कितना टाइम लगेगा। क्या मेरे को कोई आइडिया नहीं, मेरे को लग रहा सुबह के 10 भी बज सकते, 12 भी बज सकते। तो देखते ये दर्शन करने आने चिंतामणि जाएंगे, फिर मुंबई चला राजा जाएंगे। चालू करते अपनी जर्नी। आप लोगों को भी इस वीडियो के थ्रू जो मुंबई नहीं आ पाते हैं, उन सबको भी दर्शन करने मिलेगा। लेट्स गो। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1 बजने आगे। अब धीरे धीरे है ना, सबको आगे जाने दे रहे हैं। आगे है ना ओपन ग्राउंड आता है, उसमें है ना पूरा ऐसा जिप 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 लाइन रहती। तो अब यहाँ से धीरे धीरे चालू हो गया, लाइन ऊपर चढ़ने का है, वहाँ से फिर पूरा टर्न वन मार के, बहुत लंबी लाइन है। अभी धीरे धीरे चालू हो रहा है, 1 बजे सब में जोश जगाते गणपति बप्पा, बस ऐसे दर्शन करने गए, चलते लाइन चालू हो रही है। आ जाओ, सारे लोग सिंगल लाइन में आ गए। अब जरा गर्दी कम होगी, झगड़ा वगड़ा कम होगा, क्योंकि बप्पा के दर्शन करने जा रहे, भक्ति से जाने का, खुश मन से जाने गए। क्या बोलते हैं आंटी? ठीक है, बराबर बराबर बोल रहा हूँ ना, एकदम बराबर। चलो लाइन चलते, पीछे चिल्लाएंगे फिर वरना। और ये हमारे केतन भाई है, तो इन्होंने लास्ट टाइम है ना मेरे मम्मी पापा को है ना दर्शन करने में हेल्प किया। मजा आता है यार लाइन में जाने का, अलग मजा है। पापा का यहाँ आने का रीजन यही है, यहाँ पे आके मैं मतलब थैंक यू बोलने का। पापा को जो भी अपने को दिए ना, अपन भी ऐसे नॉर्मल इंसान की तरह आए थे यार। जब फर्स्ट टाइम आया था ना, जो भी मांगा था वो सब पूरा किया, तो नॉर्मल इंसान की तरह आए थे। अब जा रहे तो वैसे ही रहने गए, जैसे है वैसे ही रहने। डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। क्या बोलते हैं भाई? एकदम लियो लियो। खाली हो रहा है यार, धीरे धीरे फटाफट छोड़ रहे। 3 बजने आ गए ऑलमोस्ट। अभी हम लोग आधा रास्ता भी नहीं पहुंचे मेरे हिसाब से, क्योंकि 2-3 किलोमीटर की लाइन है। फटपट चलते गणपति बप्पा। यहाँ पे 8 बजे से कल रात के, नहीं शाम, हाँ कल रात वाला, रात के 8 बजे। तो पैर वैर दर्द नहीं दे रहे? दर्द तो हो गई। सेवा करते हो आप? यस। मतलब कब से कर रहे हो पप्पा की सेवा? ऐसा पप्पा की सेवा हम लोग 3 साल हो गए। सुकून मिलता है ना? यस, बहुत। गणपति बप्पा मोरिया। एग्जैक्ट में हमारे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया रुके, इसलिए कि बोलते अंदर आरती हो रही, पूजा हो रही। जैसे पूजा हो जाएंगे इसके बाद सब कुछ जाने देंगे। सब लोग बैठ गए, चिलिंग्स कर रहे हैं। ये भाई क्रेट ओपनिंग कर रहे, कोई BGMI गिर रहा, कोई अपने अपने फैमिली से बातें कर रहे हैं। मतलब यही है भक्ति लोगों की। बस जैसे ही चालू होता फिर हो जाएंगे आगे दर्शन। 1 घंटे में हो जाएंगे मेरे साथ, 1-1.5 घंटे में। 4:30 होने आगे, 11 बजे आए थे, 4:30 बजे। वो क्या दिखा रहा है? अच्छा, आरती चल रही है। तो फाइनली गाइस आखिरी 10-15 मिनट बचे, पप्पा यहीं से अपने लेफ्ट में है ना, बस यहाँ से आगे जाते, लेफ्ट लेते, राइट में सॉरी, 10 मिनट और ऑलमोस्ट 7 बज गए, 6:45 हो रहे। हम लोग कितने 11 बजे से हम लोग गेमिंग हाउस से निकले थे, 9:30-10 बजे। ये भाई सुबह 6 बजे से हम लोग 11 बजे से लाइन में है। अभी ऑलमोस्ट 8 घंटे तो हो गए जिस मोमेंट का, इतने टाइम से वेट कर रही है, सब वर्थ इट है भाई। चाहे 24 घंटे हो या 12 घंटे हो या 16 घंटे हो, जब एक बार यहाँ घुसते मूर्ति को देखते ना, तो सही में लगता है कि बैठे हैं पप्पा, बस वो मोमेंट चाहिए। तो फाइनली यारो अपने बप्पा के दर्शन हो गए लालबाग के राजा के। यारो 7:30 बज गए थे हमारे, 7 बजे दर्शन हुए, बाहर आते आते 20 मिनट हो गए। मैं कसम बोल रहा हूँ, मैं
पहले तो लकी हूँ कि मैं थैंक यू बोल दिया पापा को, क्यों तो सबसे पहले तो आ रहे हो, जब तुम 8 घंटे लाइन में ठहरते ना, तुम ये डिसाइड करते कि इस साल क्या विश करना है, इस साल क्या विश करना है। मैं जब भी पापा के सामने जाता हूँ ना, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ यार, वो मूर्ति देख के, पापा को देख के ब्लैंक हो जाता, कोई उनकी आंखों में देख के ब्लैंक हो जाता। जो भी तुम याद रखते हो ना कि मेरे को ये विश करना है, ये विश करना है, मैं हमेशा भूल जाता। बट मैं एक चीज़ कभी नहीं भूलता, जाके पापा को थैंक यू बोलने का यार। हमेशा जो भी आज तक मेरे को दिया ना, जो भी मैं लाइफ में जो भी कर रहा हूँ, पापा की वजह से कर रहा हूँ, तो उनको थैंक यू हर बार आके बोलता हूँ। एंड इस बार मैं बहुत कुछ मांगा हूँ, होपफुली अगले साल तक हो जाए। एंड बहुत सारी चीज़ें मांगनी थी, बट एक स्नैप रहता है यार, एक फ्लैश ऑफ सेकंड रहता है, वो लोग तुरंत भेज देते हैं। आप जाते हो, आप ऐसा सर टेकते हो, उतने में आप कब बाहर चले जाते हो पता भी नहीं चलता। बट बहुत कुछ ऐसा, आप इंस्टेंटली ब्लैंक हो जाते हो मूर्ति देख के। तो फर्स्ट डे पापा का, गणेश चतुर्थी का, एंड मैं फर्स्ट डे विजिट किया, दर्शन हो गए मेरे, भले 8 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, पहले भी जब आता था तब 4-4 दिन ऐसे आए, सो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लगते थे। बट पापा के सामने जब जाते हैं वो 8-10 घंटे, 16 घंटे लगो, 24 घंटे लगो, सब वर्थ इट है यार। तो अच्छे दर्शन है। अभी अपन यहाँ से चल रहे चिंतामणि पापा के दर्शन करने, आवाज़ मेरी बैठ गई पूरा चिल्ला चिल्ला के। चिंतामणि पापा के दर्शन करेंगे, वहाँ से मुंबई से राजा अपने गणेश गली जाएंगे, तो चलते आ जाओ। पंकज, ये कब से कर रहा है ये ऐसा पप्पा का ऐसा, ये कब से कर रहा है? 35 साल से मूर्ति बनाने का। मूर्ति बनाते भी हो फिर आप पेंट भी करते हो, लाइक 35 साल से कैसा लगता है अंकल आप ये ऐसा जो काम करते हो? साल में एक बार मौका मिलता है, सेवा करते हैं क्या? अच्छा लगता है? लाइक आप ये साल के लिए गणपति बनाने के लिए कितने टाइम पहले से चालू करते थे आप? जनवरी में आपने चालू कर दिया, आप 7-8 महीने बाद सितंबर में आपका ये, तो ऐसा कितने गणपति बनाते आप हर साल? 100-125 यही साइज अलग अलग। बट एक नंबर काम करते हैं यार, पापा की सेवा कर रहे हैं आप, और क्या, एक नंबर अंकल। अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। तो अपन आ गए यार फाइनली अपने गणेश गली, अपने मुंबई का राजा दर्शन करने के लिए। लास्ट दोनों गणपति के टाइम पे क्या हुआ, जैसा मैं चिंतामणि लास्ट दर्शन किया, अब ये बार भी जब मैं बाहर लाइन में था तो अपने सब्सक्राइबर बहुत लोग थे जो कमेटी मेंबर्स है, तो सारे खींच लिए अंदर कि भाई कहाँ लाइन में खड़े हो, सीधा दर्शन करो। तो अभी वापस सीधा डायरेक्ट दर्शन हो रहे हैं, चिंतामणि के भी अपने डायरेक्ट दर्शन है। वैसे चिंतामणि में उतनी लाइन नहीं थी, तो फर्स्ट डे तो ज़्यादा लाइन नहीं थी, इधर भी इधर अच्छी खासी लाइन है, बट लकीली अपने को डायरेक्ट दर्शन हो जा रहे, तो चलते सीधा दर्शन करते पापा के। तो ये था अपना, अपने 3 सबसे फेमस गणपति मुंबई के, उनके दर्शन करना। मेरा फर्स्ट टाइम था मुंबई का राजा दर्शन करना। मैं एक बताता हूँ आपको, वो जब आप एंटर करते हो ना, जो वाइब है ना, वो राजा वाली फीलिंग इंस्टेंटली पता चलता है, वो मुंबई का राजा, वो ट्रेडमार्क क्यों है। बाकी लालबाग का राजा मैं 2016 से दर्शन कर रहा हूँ, एंड पप्पा एक ऐसी, एक क्या बोलते हो, मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं यार। जो भी पूछा आज तक सब कुछ दिया है, एंड आज भी बहुत कुछ पूछा, होपफुली वो सब मेरे साथ हो जाए। आप लोगों का प्यार है तो ज़रूर रहेंगे, एंड पप्पा का आशीर्वाद है यार। बाकी मुंबई में सिटी में रहते हो, अगर आप दर्शन नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो एक बार जब आप जाते हो, विजिट करते हो, जो प्रेजेंस है ना पापा का, आपको फील होता है वहाँ पे, आप ब्लैंक हो जाते हो, आप पूरा खो जाते हो उसमें। बाकी जो लोग नहीं आ पाते मुंबई में, आई होप आप लोगों को ये वीडियो के थ्रू दर्शन करने में मज़ा आया होगा। और विसर्जन का भी मैं बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ, कुछ फीडबैक दे सकते तो दो मेरे को। मुंबई के विसर्जन के बारे में उतना नहीं पता, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, करना चाह रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना, और लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो चैनल को, गणपति पप्पा मोरिया।